बहुत ज़्यादा याददाश्त चली गई है और सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन है, किस पे ट्रस्ट किया जाए किस पे ना किया जाए, यही दुविधा है। देखेंगे लोग, अगर देखा नहीं है तो मैं गिर जाती हूँ, मुझे गिरा देते हैं ऐसे। सो प्रोमो तो देखा होगा लोगों ने, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है एंड वो मुझे गिरा देते हैं। ऑफकोर्स उन्होंने मुझे गिराया, उनका हक बनता है यार मेरे को मेरी याददाश्त वापस दिलाने। सो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट विच इज़ रियली नाइस, बहुत अटेम्प्ट्स कर रहे हैं लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या क्या तरीका है ये यार? हाँ मुझे बहुत ही ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए मेरे को सब मानना पड़ रहा है क्योंकि हो जाऊंगी तो फिर क्या बचेगा ना। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन बिकॉज टुडे आई डोंट नो इफ आई एम अ गुड डांसर नो, बट आई नो कि आज मैं कुछ अलग ही जोन में थी और अलग ही मूड में थी एंड आई क्वाइट एंजॉयड व्हाट आई डिड, और एकदम एकदम मसाला वाला डांस किया मैंने। नागिन नागिन या वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, वाइन कलर, एंड उसके जो नागिन जैसे पंख निकले हुए थे, नागिन तो पंख नहीं होते हैं, बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आउटफिट था विद अ वेरी ब्यूटिफुल लहंगा, वेरी फिटेड लहंगा। इट वॉज आई थिंक अ वेरी ग्लैमरस लुक विच शिवानी इज गिवन मी। व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्योंकि मेरे लिए प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी दुविधा है बट आई थिंक इट इज़ अ न्यू डायमेंशन टू अनिका एंड अनिका नहीं एज इन अ न्यू डायमेंशन टू मी एज एन एक्टर। सो मुझे ऐसा कुछ प्ले करने के लिए मिल रहा है तो इट इज़ नाइस आई थिंक, या सो पीपल विल इन्जॉय इट आई थिंक। सो वो क्या होता है? सॉरी मुझे कुछ नहीं पता भाई, हमारे यहाँ संडे कब होता है नहीं पता होता, तुम वैलेंटाइन की बात करते हो, नहीं मुझे मालूम क्या होता है वैलेंटाइन, आई डोंट सेलिब्रेट इट, बट फॉर द वंस हु वॉच एंड फॉर द वंस हु वॉचिंग राइट नाउ आई विश यू अ ग्रेट एंड अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई होप यू एंजॉय विद योर लव्ड वंस, गो आउट हैव सम गुड फूड, हैव अ गुड टाइम, गो डांस, डू व्हाटएवर, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक्स।